हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑटो नंबर यानी ऑटो नंबर जो डेटा टाइप आता है एमएस एक्सेस में, उसे हम खुद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मेरे पास पहले से आई हुई थी, हालांकि एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया और उनको बताया कि मतलब एक डेमो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, ठीक है, और उन्हें बताया था कि इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे उस पर मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी वीडियोज बनाता रहूंगा उस पर और इम्प्रूव करता रहूंगा। उस फाइनेंस कंपनी का शायद सॉफ्टवेयर था वो। तो आइए देखते हैं कि ऑटो नंबर पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उनको मैंने वैलिडेशन रूल लगाकर बताया था कि ऑटो नंबर को आप कैसे एक पर्टिकुलर स्टेज पे ले जाकर वहां से शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं ऑटो नंबर को, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन कर रखा है और यहां पर व्यू दो प्रकार की आपको दिखाई पड़ेंगे, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। डिजाइन व्यू में जाना है आपको, ये जो है टेबल वन ही नाम मैं रहने देता हूं और यहां पर आईडी आ रही है, आप देख सकते हैं ये आईडी जो आ रही है, ठीक है, इसको आप देखिए। फिर यहां पर मैं देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट नेम, और अब यहां पे ये नेम ऑफ स्टूडेंट टेक्स्ट डेटा टाइप होगा और यहां पे सिटी मैं करता हूं सिटी, ठीक है, तो सिटी यहां पर हो गई। अब ये जो आईडी है वो स्टूडेंट की आईडी होगी, यहां पे मैं स्टूडेंट आईडी भी लिख देता हूं, चूंकि ये आईडी प्राइमरी की है, ठीक है, और हमें कंट्रोल करना है ऑटो नंबर को। कैसे कंट्रोल करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाइए आप, ये स्टूडेंट आईडी दिख रही है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप आ जाइए सीधा कहाँ फॉर्मेट में आ गए। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं बी पी एल 1 2 3 ट्रिपल जीरो या 4x0 लिख दिया मैंने। अब यहां सिटी है तो सिटी में चूंकि मैं जहां पे रहता हूं उसी सिटी का मैं बाय डिफॉल्ट नेम दे देना चाहता हूं, तो यहां बाय डिफॉल्ट में मैं वही सिटी का नेम, बाय डिफॉल्ट का भी एक यूज बता देता हूं। यहां पे बाय डिफॉल्ट में मैंने देवरिया दे दिया है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो देवरिया ये अपने आप आता जाएगा, ठीक है। आप फिर से इस चीज को ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इस चीज को अगर नहीं समझेंगे, अच्छा यहां पर इंडेक्सेस में नो डुप्लीकेट्स रहना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। और यहां पे इंक्रीमेंट ही होना चाहिए। अब यहां से आपको क्लिक करना है इस पे, जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप नाम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ऑटो नंबर को कंट्रोल करना था, वो चीज हमें देखनी है। तो चलिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट मैं लिखता हूं, यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया मैंने राम। अब देखिए ये जो मैंने दिया था ये वन से स्टार्ट होके आ रहा है अपने आप, ये 1 2 3 के फॉर्म में नहीं आ रहा। अब यहां पे देखिए श्याम, ये देखिए यहाँ पे अप टू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटो नंबर को भी हम बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये नाम भी हम चाहे तो बाय डिफॉल्ट तो मैंने दे दिया है, लेकिन यहाँ पे हम चाहे तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ गोरखपुर, ठीक है, यहाँ गोरखपुर लिख दिया हमने तो ये गोरखपुर एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मनोज, तो ये देखिए यहाँ पे 3 अपने आप आ रहा है। तो इस तरह से हम ऑटो नंबर जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए अवनीश, ठीक है, यहां आप देखिए सचिन, यहां पे देखिए रहीम, यहां पे देखिए, देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता जा रहा है। अब देखिए यहां पे मैं दिखाता हूं आपको सोहन, यहां पे देखिए निकिता, ये देखिए, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करता जाएगा, ठीक है। इसको हम फॉर्म व्यू में भी ले सकते हैं, यहां से देखिए मैं फॉर्म व्यू में ले लेता हूं इसको, और जब हम फॉर्म व्यू में लेंगे तो भी ये इसी तरह से काम करेगा। अभी यहां से पहले मैं इसको डिजाइन व्यू पे ले करके थोड़ा इसमें सेटिंग कर देता हूं इसको, ये हो गया। अभी इसको छोटा करना है, कर दीजिए आप, ठीक है, और ये टेबल वन नाम हटा देते हैं हम, यहां लिख देते हैं ऑटोमेटेड आईडी, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करेगी। अब यहां से आप बटन वगैरह जो पहले मैंने बताया बना सकते हैं, और यहां से व्यू पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए यहां पे इस तरह से ये आ रहा है, एक छोटा सा बटन मैं नेक्स्ट का या अनदर रिकॉर्ड का बटन यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक किया मैंने और यहां से इस पर ड्रैग करवाइए आप, तो देखिए एक बटन ये आ जाएगा इस तरह से, हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड का इंटर करने का बटन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एड न्यू रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेना चाहता हूँ तो यहाँ से टेक्स्ट ले लिया मैंने, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो ये एड रिकॉर्ड का भी बटन यहाँ पे एड हो गया,
और बहुत ही आसानी के साथ आप नंबर जनरेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहां से व्यू पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे देखिए, जैसे ही जाएंगे इस पे तो न्यू रिकॉर्ड यहां ऐड करिए। अब देखिए न्यू रिकॉर्ड ऐड करने पे क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं जावेद, ठीक है, तो ये देखिए यहां पे 8 आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करने का एक तरीका है। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड उमेश, देखिए 9 आ गया। अब फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड जनरेट करना है, फिर सुरेश यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड जनरेट करना है रानी, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड जनरेट करना है यहां पे अरीना। ऐसे करके हम लिखते जाएंगे और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड जनरेट करता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।